बंदूक अड़ाकर ग्रामीणों से लाखों की लूट, समूह के नकदी पैसों सहित जेवरात और मोबाइल भी छीन ले गए बदमाश, ग्रामीण भयभीत। शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के सड़ गांव में शनिवार रविवार की दरमियानी रात चार हथियारबंद बदमाशों ने तीन घरों में घुसकर बंदूकों का भय दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश तीन घरों से जेवरात सहित हजारों रुपए नकदी व सामान लूटकर अपने साथ ले गए। बताया गया कि हथियारबंद बदमाश सभी घरों में पहले अंदर घुसे, फिर लूटपाट कर घर के सदस्यों को कमरे में बंद कर अगले घर को निशाना बनाने चले गए। ग्रामीणों का कहना है कि चारों बदमाशों के हाथों में बंदूकें थी, साथ ही वह डकैतों की वेशभूषा में फौजी कपड़े पहने हुए थे। इसके अतिरिक्त कुछ बदमाश पहरेदारी के लिए घरों के बाहर खड़े हुए थे। बैराड़ थाना पुलिस ने घर में घुसकर चोरी की धाराओं में मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाश की तलाश शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक हथियारबंद बदमाश सबसे पहले खयाली पुत्र जगन्नाथ आदिवासी 36 वर्षीय के घर में रात करीब 1 बजे घुसे थे। इस घर से बदमाश घर में रखे बैग से 40,000 रुपये, एक जैकेट व कंबल ले गए। इसके बाद बदमाश सुखराम आदिवासी के घर में घुसे। इस घर से बदमाश 500 ग्राम की चांदी की करदोनी, 2 पुरानी 500 ग्राम की पायल, 1 मंगलसूत्र, इसके अतिरिक्त 2 मोबाइल और 15,000 रुपये भी ले गए। इसके बाद बदमाश केपी सिंह आदिवासी के घर में घुस गए। इस घर से बदमाश 1 मोबाइल चोरी कर ले गए। बता दें कि बदमाशों द्वारा की गई लूट की वारदात से क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। कहाँ के रहने वाले हो सर? तो क्या ये मामला है लूटपाट का? लूटपाट का सर जी मामला, चार लोग आए और बस घर में सोते याद आवे और हमसे पूछ रहे लो जेवर दे पैसा दे सर कहाँ दे रहे हैं। तुमने तो निकाला पैसा तो है तुम्हारे पास, धंधा करते हैं तुम लोग, पैसा तो होते नहीं है तो बिना पानी के मारे बैग में निकाले छू कपड़ों में 3 परस रह गए, बिना पूरे पैसे आते कलारी भी चलाते हम तो बाकी माने पैसे आते सब ले गए पूरे, एक नहीं चौंका सब बिल्कुल। अच्छा हाँ, तो कितने बजे की घटना? ये घटना है सर करीब करीब 2:30 बजे। ऊपर हमको भी इधर गए जब मुड़ा गए तब हम टपैया मुंड गए सवाल लगा के बाहर से टालो बंदूक चारों ने हथियार जर्किन ले गए। तो पहचान दे तुम उनको? अब पहचान में तो भी नहीं आ रहे, बस खुला थे गट्टा तू लगाए बनने पर मैं माने। अच्छा नकाब पोस नहीं थे? आज ऐसे माने गिल बंद बंद है बस। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। शुक्र राम। कौन सी गांव की हो सर? तो क्या मामला है, कौन लूटपाट का क्या हुआ है? लूटपाट का भाई साहब ऐसा हुआ है, रात के 2 बजे आए चोर, रात के 2 बजे पूरी लूटपाट का ये रकम भी ले गए, पैसे भी ले गए। अच्छा तो क्या मोबाइल ले गए? आपका क्या ले गए? हमारा मोबाइल ले गए और रकम ले गए। रकम ले गए? कुछ नकदी थे क्या? नकदी पैसे? हाँ 15,000 नकदी। अच्छा कितने घरों में से लूट ले गए जी? चार घरों से। कितने लोग थे? 4 लोग। हथियार लेके आए थे क्या? पैसे हथियार लेके आए। क्या क्या था? बंदूक आदि। अच्छा और चारों रुपये चारों हथियार है। तो क्या बोलने लगे? रकम दे दो मैंने को पैसे दे दो साहब है ही नहीं तो मना कर दिया, तो उन्होंने बकस का ताला तोड़ के निकाल ली। अच्छा। और हमको बंद कर गए, फिर बाहर गेट का लॉक लगा गए और निकल गए। सूचना नहीं दी थाने पे? नहीं सूचना। कब? 4 बजे। अब सो अब रात में ही सर पुलिस नहीं पहुंची कोई? अभी एफ आई आर कर दी आपने? सर जो ये मामला हुआ है क्या कर रहे हैं जो अभी सड़ गाँव में डकैती कल रात में? कल रात में आदिवासियों को सहराना है, ग्राम सड़ है थाना बैराड़ का लगता है, वहाँ कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा 2 घरों में चोरी का मामला अभी पुलिस ने पंजीकृत किया है। उसमें गांव वालों ने ये बताया है कि चोरी करने के बाद उनको भागते हुए हथियार सहित देखा है। कुछ मूवमेंट के बारे में भी बात चली है इस क्षेत्र में, तो हमने आज थाना प्रभारी बैराड़ को, थाना प्रभारी गोवर्धन को सर्चिंग के लिए लगाया कि मैं भी इसी कारण से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, और थाना प्रभारी दोनों थाना प्रभारियों के साथ में फिर सर्चिंग पर निकल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ मूवमेंट जोधपुर साइड से, क्योंकि सर्दियों के समय में जनरली पशु चोरी घटनाएँ इस क्षेत्र में होती हैं, तो पशु चोरी घटनाओं में बहुत से यहाँ पर मुरैना और धौलपुर से अज्ञात बदमाशों का मूवमेंट देखा गया है, इस दृष्टिकोण से हम आज एक सर्चिंग भी निकाल रहे हैं। अभी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में प्रथम दृष्टा ले लिया गया। सर ऐसे घटना रात की बता रहे हैं 12 बजे की, पुलिस बहुत लेट पहुंची है 12 घंटे में, ज़्यादा दूरी भी नहीं है। नहीं नहीं, जो अभी घटनाक्रम मुझे जो संज्ञान में भी लाया गया है आप लोगों के माध्यम से, मुझे सुबह करीब 8-9 बजे किसी ने बताया था, तो उसी समय मैंने थाना प्रभारी को बताया था। थाना प्रभारी उस समय सर्चिंग पर निकले हैं, फिर 100 डायल ने भी इवेंट अटेंड किया है,
अंडर डायल से जो कर्मचारी यहाँ गए तो उन्होंने मुझे बताया कि रात में ये अंडर डायल गाड़ी वहाँ पहुँच गई थी। सुबह करीब 8 या 9 बजे उन लोगों को यहाँ आने के लिए कहा गया था, तो वो लोग यहाँ आए नहीं हैं। जो आदिवासी सहराने के जो लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए थे, वो विलम्ब से उपस्थित हुए। उसके बाद पुलिस सर्चिंग अर्चिंग की जो पार्टी की जो अगली कार्रवाई थी वो की गई। सर ऐसे लूट तो ज़्यादा घरों में हुई है। अभी जो प्रथम हमने जो FIR लिखी है उसमें हमें 2 पीड़ित पक्ष मिले हैं। 2 पीड़ित पक्षों के घरों में चोरियां हुई हैं, उसकी FIR दर्ज कर ली गई है। यदि कोई और व्यक्ति भी पीड़ित हैं जिनके यहाँ ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ है तो उनके पूछताछ करके हम भी जा रहे हैं, पूछताछ करेंगे। यदि और घरों में कोई पीड़ित पक्ष है तो उसकी भी FIR लिखेंगे।